हेलो नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं राकेश शिवानी एस्ट्रो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये मेरी एस्ट्रोलॉजिकल सीरीज़ का लेक्चर नंबर 30 है। इससे पहले 29 लेक्चर्स मेरे हो चुके हैं। आप जैसे जानती हैं कि पिछले कुछ लेक्चर से मैं आपको डिफरेंट योगों के बारे में बता रहा हूँ। ऐसे योग जो नॉर्मली कहीं देखने को नहीं मिलते हैं और जिनका कुंडली पर बहुत एक्स्ट्रा प्रभाव होता है, यानी वो हमसे छूट जाते हैं। नॉर्मल कोर्सेज में योग तो हम लोगों को मालूम होते हैं, गज केसरी योग बन गया इसी कुंडली के अंदर, लक्ष्मी योग बन गया, या कोई सूर्य बुधातित्य योग बन गया, ये कुछ मोटे मोटे योग तो मालूम होते हैं। लेकिन कुछ योग ऐसे होते हैं जो जहाँ तक कि ज़िंदगी को चेंज कर देते हैं और कुंडली के अंदर उसके रिजल्ट अलग ही आते हैं और हम लोगों को उसका आइडिया नहीं हो पाता। कुंडली के अंदर देखने में सब कुछ लगता है कि कुंडली बहुत नॉर्मल सी या कुंडली बहुत सिंपल है, इसमें ऐसे कोई खास योग नहीं है, लेकिन ऐसे योग उसके अंदर होते हैं जो बहुत अच्छा फल दे जाते हैं। तो वो मैं कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आगे योग के बारे में मैं आपको आगे बताता रहूँगा, अभी नेक्स्ट वीडियो से भी बताता रहूँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूँ कि योग का फल कब मिलता है, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आता है दिमाग में। जब शुरुआत में मैंने पढ़ाई करी थी तो मुझे भी ऐसा लगता था कि ये योग तो बन रहा है लेकिन योग का फल कब मिलेगा। अब किसी ने कहा जी योग का फल तो मिलेगा ग्रह की दशा में या अंतरदशा, ग्रह की दशा अंतरदशा में मिलेगा। अब महादशा ग्रह की मैं ढूंढता हूँ तो पता चलता है ग्रह दशा की महादशा तो आती नहीं है। अब मान लीजिए किसी चाइल्ड का बर्थ शनिवार शनि की महादशा में हुआ है, तो अगर कोई योग उसको बृहस्पति की महादशा में मिलना है तो बृहस्पति की महादशा उसके जन्म के 100 साल बाद आएगी। तो ऐसे में उस योग का क्या फ़ायदा? हाल तो इस कलयुग में इतना लंबा जीना, चलिए ये तो नहीं मानते कि इम्पॉसिबल है, बट कठिन तो है ही है। तो योग का फल कब होगा? तो क्या हमें योग का फल जब ही मिलेगा जब दशा आएगी, या बीच बीच में भी हमको फल मिलता रहता है योग का, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो आज मैंने ये लिया है, एक कुंडली ली है सामने। अगर आप इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में बृहस्पति और चंद्र दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, और जानते हैं कि बृहस्पति और चंद्र मिलकर गज केसरी योग बनाते हैं। मैंने सिंपल वाला योग आपके इसमें लिया है, जो बहुत ही जिसका नॉमेनक्लेचर बहुत सिंपल इजी है, अवेलेबल है और सब लोग उसको जानते हैं। तो चंद्रमा और बृहस्पति यहाँ पे बैठ के गज केसरी योग बना रहे हैं। अब ये जो गज केसरी योग बना रहे हैं, इस गज केसरी योग का फल कब मिलेगा? पहले तो ये कि बृहस्पति की दशा में मिलेगा या चंद्र की दशा में मिलेगा, किसकी दशा में मिलेगा? तो उसके लिए हमको ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये जो दो ग्रह मिलकर योग बना रहे हैं, उन दो ग्रहों में से स्ट्रांग ग्रह कौन सा है, किस ग्रह को ज़्यादा नंबर मिलते हैं। तो उसका नंबर देने का एक सिस्टम है, बहुत सिंपल सिस्टम है। आप समझ लीजिए कि ग्रह अगर उच्च का हो तो 5 नंबर देते हैं, ग्रह अगर अपनी ही राशि में हो तो 4 नंबर देते हैं, ग्रह अगर मित्र की राशि में हो तो 3 नंबर देते हैं, ग्रह अगर मूल त्रिकोण राशि में हो तो 2 नंबर देते हैं, और ग्रह अगर उच्चाभिलाषी हो तो 1 नंबर देते हैं। उच्चाभिलाषी मीन्स कि जैसे आप सब जानते हैं कि शनि तुला में उच्च का होता है, तो अगर वो पहुंच गया है कन्या राशि तक तो उच्चाभिलाषी है। उच्चाभिलाषी मीन्स कि उच्च होने की ओर अग्रसर हो रहा है, उच्च होने की ओर जा रहा है, उसका अभिलाषा करता है कि मैं उच्च हो जाऊँ। तो इसलिए ये पॉइंट सिस्टम है कि जहाँ भी आप देखें, जब भी ये कोई योग देखें दो ग्रहों के बीच में, तो वो देखें कि वो दोनों ग्रहों में से किसको कितने पॉइंट मिले हैं। पॉइंटिंग सिस्टम आपका ये है। अब जैसे ये योग है बृहस्पति और चंद्रमा का, तो हमें पहले दोनों के पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे कि बृहस्पति को कितने पॉइंट्स मिलते हैं यहाँ पे, चंद्रमा को कितने पॉइंट्स मिलते हैं। सिंपल है, वेरी सिंपल। बृहस्पति आपका कर्क राशि में है, बृहस्पति कर्क राशि में बृहस्पति उच्च का होता है, तो इसलिए अगर हम यहाँ लिखें बृहस्पति के पॉइंट अगर हम लिखते हैं तो 5 नंबर बृहस्पति के ये आ जाते हैं उच्च में होने की वजह से, क्योंकि 5 नंबर मिलते हैं उच्च होने की वजह से। बृहस्पति क्या स्वराशि है? नहीं है। बृहस्पति क्या मित्र राशि है? हाँ, मित्र राशि है, क्योंकि बृहस्पति घर में है चंद्रमा के, और चंद्रमा और बृहस्पति मित्र होते हैं। ये कर्क राशि है, इधर सेकंड हाउस, कर्क राशि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो इससे आपको मालूम चल रहा है कि बृहस्पति चंद्रमा के घर में है और बृहस्पति और चंद्रमा दोनों आपस से मित्र होते हैं, तो मित्र राशि के भी इनको 3 नंबर मिल जाते हैं। मूल त्रिकोण राशि नहीं मिला, उच्चाभिलाषी का कोई है ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी उच्च है। तो कहने का मतलब हुआ कि बृहस्पति को यहाँ पे टोटल मिला के 8 नंबर मिल गए। आप समझ गए होंगे, बृहस्पति चूंकि उच्च का ग्रह है तो 5 नंबर उच्च के ग्रह के मिल गए, मित्र राशि में है तो 3 नंबर इसके मिल गए, तो टोटल मिला के 8 नंबर बृहस्पति को यहाँ पर मिल जाते हैं। अब आप सिंपली चंद्र का देखिए, चंद्रमा का अगर देखें
चंद्रमा अपनी उच्च ग्रह में है, उच्च राशि में है? नहीं, चंद्रमा उच्च राशि में नहीं है, क्योंकि चंद्रमा की उच्च राशि होती है वृष, तो ये तो यहाँ पर कर्क है। चंद्रमा स्वय राशि में है? यस, चंद्रमा को चार पॉइंट यहाँ मिल जाते हैं स्वय राशि में होने के बाद। चंद्रमा मित्र राशि में है? चंद्रमा तो अपनी राशि में, तो वो स्वय राशि के पॉइंट उसको मिल चुके, तो वो भी खत्म हो गया। अपनी मूल त्रिकोण राशि में है? तो वो भी नहीं है मूल त्रिकोण राशि में। उच्चाभिलाषी है? नहीं, वो भी नहीं है, उच्चाभिलाषी भी नहीं है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि चंद्रमा को सिर्फ चार पॉइंट मिले और बृहस्पति को आठ पॉइंट मिले। तो इसके हिसाब से जब जब बृहस्पति की महादशा चलेगी, बृहस्पति की महादशा चलेगी और चंद्रमा की अंतरदशा चलेगी, एडी, मैं एडी लिख रहा हूँ यहाँ पे, अंतरदशा और महादशा, तब आपको ये वाला फल मिलेगा, इस योग का फल मिलेगा। अब आप कहते हैं कि साहब बृहस्पति दशा तो मेरी आ ही नहीं रही है, तो कैसे काम चलेगा? तो उसका उल्टा कर लीजिए, क्योंकि जब जब चंद्र की महादशा चलेगी, चंद्र की एमडी हो और बृहस्पति की एडी हो, तब फल मिलेगा। अब आप कहते हैं कि चंद्र की दशा भी नहीं आ रही है, फिर कैसे हो? फिर ये प्रॉब्लमेटिक विषय हो गया। तो आप ये देखिए कि योग कारक ग्रह कौन सा है कुंडली में और वो किसके घर में बैठा है। योग कारक निकालने का तो आप जानती हैं, बृहत पाराशर हुरा शास्त्र में सिंपल सिंपल्स दिए हुए हैं। तो इस कुंडली में हम देख सकते हैं कि तीन और छः, बुध इस कुंडली का लग्नेश है, त्रिकोण का स्वामी भी है, केंद्र का स्वामी भी है, तो बहुत ही योग कारक ग्रह है इस कुंडली के लिए। तो बुध कहाँ बैठा है? बुध योग कारक ग्रह हुआ, बुध बैठा कहाँ है? अपनी राशि में बैठा हुआ। किसकी राशि में बैठा हुआ है? बुध की राशि में बैठा हुआ है। चूँकि बुध योग कारक ग्रह है, बुध की राशि में बैठा हुआ है, तो इसका मतलब बुध की महादशा में मिलेंगे रिजल्ट। बुध की एमडी हो, बृहस्पति की एडी हो अंतरदशा और चंद्रमा की पीडी हो प्रत्यंतरदशा, तो रिजल्ट यहाँ मिलेंगे। अब इससे भी पॉजिटिव सोचता है, मान लिया इससे पहले यह हो रहा हो कि बुध की एमडी हो और चंद्रमा की अंतरदशा हो और बृहस्पति की पीडी हो, तो ये भी इसमें भी पॉसिबल है रिजल्ट मिलना। अब कहते हैं कि ना तो बृहस्पति की दशा मिल रही है, ना ही चंद्रमा की दशा मिल रही है, ना ही बुध की महादशा मिल रही है, तो रिजल्ट कैसे मिलेगा? ये तो और कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अब इसके कॉम्प्लिकेटेड के लिए ये होता है कि योग कारक ग्रह जो कुंडली में आपकी होता है, उस ग्रह को कौन सा ग्रह देख रहा है। ये देखिए, योग कारक ग्रह कुंडली में आपके है बुध, बुध आपकी कुंडली में एक योग कारक ग्रह है। अब इसमें अगर आप देखें तो मंगल ग्रह एक दो तीन और चार, चौथी दृष्टि से बुध ग्रह को देख रहा है। तो चूंकि मंगल चौथी दृष्टि से बुध ग्रह को देख रहा है, इसलिए रिजल्ट आपको मंगल की महादशा के अंदर भी मिल सकते हैं। मंगल की महादशा हो, गुरु की आपका गुरु की बृहस्पति की जो आपकी अंतरदशा हो और चंद्र की आपकी प्रत्यंतरदशा हो, या ये उल्टा हो, चंद्र धरा जाए गुरु धरा जाए, लेकिन मंगल की महादशा में भी रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। अगर ऐसी कुंडली में योग कारक ग्रह को एक से अधिक ग्रह देख रहे हैं तो किसकी दशा ले? हमने कहा कि इस कुंडली में जो योग कारक ग्रह को ग्रह देख रहा है उसकी महादशा में, तो इस कुंडली में योग कारक ग्रह को देख रहा है मंगल, मंगल की महादशा में। लेकिन अगर मान लिया कोई और ग्रह भी देख रहा होता इसको, तब क्या होता? तब ये होता, जैसे शनि, यहाँ देखिए शनि यहाँ से एक दो तीन चार है, पाँच है, यहाँ पे नहीं है। मान लिया ये शनि आपका इधर होता, यहाँ शनि होता सपोज कीजिए, तो फिर एक दो तीन शनि भी तीसरी दृष्टि से देख रहा होता, तब कैसे होता? तो उस केस में दो ग्रह ऐसे मिल गए हमको जिनकी महादशा में रिजल्ट मिलेगा। तो उसमें जिसकी महादशा पहले आएगी, अगर मंगल की पहले आएगी तो मंगल की महादशा में रिजल्ट मिलेगा, और अगर शनि की आएगी तो शनि की महादशा में रिजल्ट पहले मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि मतलब आपको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि कुंडली में आपके योग बना है तो उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा। 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और आपके अच्छे वक्त में ही मिलेगा रिजल्ट आपको, ज़्यादा एज में जाके नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई ना कोई ग्रह तो ऐसा होगा, या तो उसी ग्रह की महादशा मिलेगी, या उस ग्रह की अंतरदशा मिलेगी, या उस ग्रह का आपको कोई जिसमें बैठा है वो योग कारक ग्रह उस भाव के स्वामी की दशा मिलेगी,
या जिस योग कारक ग्रह को जो ग्रह देख रहे हैं उनकी दशा मिलेगी, कुछ ना कुछ तो मिलेगा आपको, तो ये बेफिक्र रहिए। तो ये है योग का फल कैसे होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया है, और इसमें कोई आपके क्वेश्चंस हो तो पूछ लीजिएगा कभी भी। बाकी बहुत सिंपल है, थोड़ा उसको ध्यान रखिए तो योग प्रोडक्शन करने में आपको सहायता हो जाएगी। बस इतना ही मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं भी नई नई वीडियोज़ पर डालता रहूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।